जय माता दी। दोस्तों, मैं भाविनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। अहोई अष्टमी का व्रत आने वाला है, तो यह व्रत किस दिन रखा जाएगा? 4 या 5 नवंबर को रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या होगी और इस दिन हमें भूल कर कौन से कार्य एकदम नहीं करनी चाहिए, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। अहोई अष्टमी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। करवा चौथ पर पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखने वाली महिलाएं अहोई अष्टमी को संतान की दीर्घ आयु के लिए व्रत रखती हैं और अहोई माता की पूजा करती हैं। अहोई अष्टमी का व्रत करवा चौथ के 4 दिन बाद रखा जाता है, इसलिए 5 नवंबर को माताएं यह व्रत करेंगी और तारों का उदय होने के बाद उन्हें अर्घ देकर व्रत तोड़ेंगी। दीपावली पूजा से 8 दिन पहले पड़ने वाला यह व्रत उत्तर भारत में ज्यादातर महिलाएं रखती हैं। इस दिन बच्चों की अच्छी सेहत, सुंदर भविष्य और दीर्घायु के लिए माताएं निर्जला व्रत रखती हैं। आइए आपको मैं बताती हूँ कि अहोई अष्टमी की पूजा विधि क्या होगी, शुभ मुहूर्त क्या है और महिलाओं को कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी शुभ मुहूर्त क्या है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का आरंभ 4 नवंबर को आधी रात के बाद 12:59 पर होगा, यानी 5 नवंबर की तिथि का आरंभ हो जाएगा। इसका समापन 5 नवंबर को आधी रात के बाद 3:18 पर होगा। इस तरह उदयातिथि के नियमों के अनुसार महिलाओं को अहोई अष्टमी का जो व्रत है वह 5 नवंबर को रखना है। पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 5:33 से लेकर 6:52 तक रहेगा। उसके बाद जो है आप लोग शाम को तारों को अर्घ देने के बाद अपने व्रत का पारण कर पाएंगे। आइए जानते हैं अहोई अष्टमी के दिन कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं। अहोई अष्टमी पर इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का शुभ संयोग बन रहा है। ऐसी मान्यता है कि इस शुभ योग में व्रत करने से महिलाओं को व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और उनके बच्चे सदैव सुखी, संपन्न और दीर्घायु होते हैं। बच्चों की सभी इच्छाएं अहोई माता पूर्ण करती हैं और उन्हें एक सफल जीवन की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि अहोई अष्टमी की पूजा विधि क्या होगी। अहोई अष्टमी के दिन सुबह सुबह उठकर स्वच्छ स्नान करना चाहिए, उसके बाद स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। उसके बाद पूजा घर को गंगा जल से छिड़क कर पवित्र कर ले। फिर शुभ दिशा में देख कर दीवार पर अहोई माता का चित्र बना ले। अगर आपको चित्र ना बना पाए तो मार्केट में भी इसकी फोटो मिलती है, आप वो फोटो ले सकते हैं, उसको आप चित्र बनाकर दीवार पर लगा सकते हैं। उसके बाद शाम के समय अहोई माता की पूजा करनी चाहिए, उन्हें हलवा पूरी का भोग लगाना चाहिए। फिर व्रत की कथा पढ़े, तो जैसे सरल तरीके से हम पूजा करते हैं, हल्दी अक्षत कुमकुम लगाएंगे, उसके बाद पुष्प चढ़ाएंगे, दीपक जलाएंगे, भोग लगाएंगे हलवा पूड़ी का, उसके बाद जो है हमको व्रत कथा पढ़नी होती है, फिर तारों के निकलने की प्रतीक्षा करनी होती है, फिर तारों को अर्घ देने के बाद इस व्रत का पारण किया जाता है। अहोई अष्टमी के दिन भगवान शिव और माता पार्वती को दूध भात का भोग भी लगाना चाहिए और शाम को पीपल के पेड़ पर दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं अहोई अष्टमी पर जो महिलाएं व्रत रख रही हैं उन्हें भूल कर भी कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन महिलाएं तांबे के लोटे से भूल कर भी अर्घ न दें। अर्घ देने के लिए स्टील या चांदी के लोटे का प्रयोग करना चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन व्रती महिलाओं को सोना नहीं चाहिए और रात के समय भी जागकर भजन कीर्तन करते रहना चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन जो महिलाएं व्रत रख रही हैं उनको सुई, चाकू और अन्य नुकीली चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कोशिश करें कि आप उस दिन कोई भी सब्जी फल ना काटें, कोई सिलाई का कार्य ना करें, तो इन सारी चीजों से बचना चाहिए, नहीं तो आपके बेटे पर इसका इफेक्ट आ सकता है। अहोई अष्टमी पर तुलसी के पत्तों को भी भूल कर नहीं तोड़ना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अहोई अष्टमी के दिन महिलाएं भूल कर भी मिट्टी को न छुएं। इस दिन मिट्टी से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य न करें, उसकी मनाही होती है। ऐसा करने से बच्चों को नुकसान हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि मिट्टी के अंदर जो जीव जंतु हैं उनको नुकसान पहुँच सकता है और इससे आपका जो व्रत है वह टूट सकता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अहोई अष्टमी के दिन भूल कर भी किसी से झगड़ा न करें और न किसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग करें। तो ये छोटी छोटी बातें थी जो कि आपको अहोई अष्टमी के दिन आपको ये सारी सावधानियां बरतनी है।
तो आप सभी को एक बार फिर से अहोई अष्टमी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।